नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। गुमला जिले के कामडरा के नवा टोली गांव में हुए एक ही परिवार के 5 सदस्यों की सामूहिक नरसंहार की चारों ओर निंदा की जा रही है। गांव में चारों ओर गमगीन माहौल हो गया है, केवल लोगों की रोने और सिसकने की आवाजें आ रही है। बता दें कि 55 साल की जोस्तीना टोपनो, 60 वर्ष नीपुद्दीन टोपनो, 35 वर्ष का भीमसान टोपनो, 30 वर्ष शिव टोपनो एवं 5 वर्ष मारू टोपनो की अज्ञात अपराधियों के द्वारा क्रूर तरीके से टांगे से काटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद गुमला एसपी पी जनार्दन एवं गुमला डीसी के साथ जिले के तमाम आला अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और घटना की कई बिंदुओं पर जांच कर निर्देश दिया। पुलिस के द्वारा आज दर्जन भर लोगों की पूछताछ के लिए थाना लाकर पूछताछ की जा रही है। उम्मीदें ताजा जताई जा रही हैं कि इस सामूहिक नरसंहार की जल्दी खुलासा होगा। इसमें पुलिस तहकीकात कर रही है और जल्द से जल्द मतलब 1 वीक में इसका पता चल जाएगा कि कैसे घटना घटी और इस संबंध में अभी बोलना कुछ भी जल्दीबाजी हो। सर, मृतक परिवार से मात्र 1-8 साल की बच्ची रह गई है, उसके संरक्षण संवर्धन के लिए क्या प्रशासन क्या निर्णय लेगी? उसके लिए हम लोग जो प्रशासन में रूल रेगुलेशन है उसके तहत पूरा उसको हम लोग सुविधा देंगे और अगर वो बच्ची बड़ी होगी उसको हम लोग कस्तूरबा पढ़ाई लिखाई एवं अन्य आर्थिक सहायता हम लोग उसको उसमें मदद करेंगे। वो यहाँ नहीं रह रही है, हम लोग भी पता किया, वो अपने मौसी के यहाँ रांची में कहीं रहती है। तो अगर उसको जरूरत होगा तो पुलिस इस पर नजर रखी हुई है और हम लोग नजर रखे हुए उसको पूरा सुरक्षा देंगे। सत्यापन के लिए डीएसपी और इंस्पेक्टर को हम भेजा था यहाँ पे और जब पता चला कि यहाँ वाकई में ये सच है, हम लोग आके पीओ टेस्ट देख लिया है। इसी परिवार का 3 जनरेशन का आदमी को मारा है। जिस तरीके से मारा है देखने से यही लगता है कि कोई आपसी विवाद के कारण कोई मारा है और एंगल होगा, इस पर भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन अभी ये बहुत शुरुआती स्टेज है, इसमें हम कोई कॉन्क्रीट कारण नहीं बता सकता है। पुलिस जांच में जुटी हुई है, जितना जल्दी हो हम इस केस का खुलासा करें। घटना के बाद आज मृतकों का अंतिम संस्कार गाँव में ही किया गया। जहां पर पूर्व स्पीकर दिनेश उरांव, वीडियो रविंद्र गुप्ता समेत कई अधिकारी मौजूद थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।